एक फटा हुआ भिखारी स्विस बैंक में जाता है। यहाँ सीधे अपने आप को VIP ग्राहक के रूप में अभिव्यक्त करें। सेवा कर्मचारियों की तिरस्कार भरी निगाहों के नीचे उसने शांति से अपना खाता भर दिया। पृष्ठभूमि द्वारा सत्यापित आदमी को विशेष लिफ्ट में आमंत्रित किया गया था। जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, प्रबंधक गर्मजोशी से प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा और उसकी उंगलियों के निशान की पुष्टि करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में राज्यपाल ने तिजोरी भेजी। उसने झट से डिब्बा खोला, फिर पासपोर्ट लिया। खोलो इसे, तभी मुझे पता चला कि मेरा नाम निक है। फिर उसने बॉक्स में मेजे 9 खोला। इसमें न केवल बहुत सारे बैंक नोट हैं, पर एक पिस्तौल और कुछ पासपोर्ट, और हर पासपोर्ट का एक अलग नाम होता है, केवल वही चीज जो ऊपर दी गई तस्वीर है। भ्रमित व्यक्ति थोड़ा भ्रमित होता है। आपकी असली पहचान कौन सी है? सोचने में बहुत देर हो चुकी है। उसने जल्दी से नोट और पासपोर्ट बैग में रख लिए, लेकिन पिस्टल अंदर नहीं ले गए। लेकिन जब उसने सेफ मैनेजर को थमा दी, एक सूट में एक रहस्यमय आदमी अंधेरे में छुपकर उसे देख रहा है। बैंक से बाहर, लगता है निक अपने आसपास की असामान्यताओं से वाकिफ है, बहुतों ने ही नहीं किया। और यहाँ पुलिस की गाड़ी तेजी से आ रही है। हताशा में उसने जल्दी से अपना अमेरिकी पासपोर्ट निकाल लिया, अमेरिकी दूतावास में छिप गया। मैंने सोचा कि यह सुरक्षित था, लेकिन अंदर गार्ड मिला जैसे कुछ खोजना। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और दूर हो गया। अभी भी एक सुरक्षा गार्ड द्वारा पाया गया। हताशा में वो केवल अपने हाथ उठा सकता था। उस क्षण की प्रतीक्षा करें जब दूसरी पार्टी आपको स्पर्श करे। पलक झपकते ही उसने आगे बढ़ने वाले सुरक्षा गार्ड को आसानी से वश में कर लिया। भयाक्रांत निक जल्दी से उसके बगल वाली सीढ़ी में छिप गया, बस एक सुरक्षा गार्ड से टकरा गया। ऊपर आओ और एक दोस्ताना अभिवादन कहो, आसानी से उसे नीचे लाने के बाद और अपना वॉकी टॉकी ले लिया। फिर तेजी से दूसरी मंजिल पर पहुंचे। दीवार पर निकासी योजना को हटा दें। तुरंत सभी चैनलों की लाइनें याद कर ली। फिर वो दूतावास की छत पर आया, देखा कि कोई रास्ता नहीं बचा है। वो केवल ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए रेलिंग पर कदम रख सकता है। रेलिंग की जर्जरता के कारण हो सकता है, सीधे उसके पैर से टूट गया था। बैग गलती से गिर गया। एक ही समय में पूरे कवच में सैनिक धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। वो केवल सीढ़ी का अनुसरण कर सकता है। छज्जे के नीचे छिप गया। बस प्रतिद्वंद्वी के ब्लाइंड स्पॉट में सैनिकों के जाने तक प्रतीक्षा करें। उसने जल्दी से दीवार का पीछा किया और धीरे धीरे जमीन पर लौट आया। तभी उसकी नज़र एक महिला पर पड़ी। वो दूतावास में पैसे के लिए संघर्ष कर रही थी, इसलिए निक ने बिलों की दो गड्डियां निकाली। एक महिला से उसे पेरिस की सवारी देने के लिए कहना, महिला बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सीधे पेरिस ले जाओ। लेकिन वह नहीं जानती थी मैं किस प्रकार के संकट का सामना करूंगा। बेघर आदमी महिला को वापस अपनी हवेली ले जाता है, बस बेडरूम में चला गया। महिला पहले धोने के लिए तैयार है, लेकिन इस समय एक आदमी अचानक बालकनी से अंदर आया। बंदूक उठाओ और पागलों की तरह शूटिंग शुरू करो। हालांकि निक की याददाश्त चली गई थी, लेकिन उनकी वृत्ति नहीं गई। दोनों ने एक पल में एक साथ कुश्ती की। निक अपने खुद के लड़ने के अनुभव के साथ, जल्दी से ऊपरी हाथ प्राप्त करें, ये देखकर कि कातिल अब भी हार मानने से इनकार कर रहा है। निक एक पेंसिल छीन लेता है, ये हथियारे पर वार है। अंत में कू ने काट लिया और प्रतिद्वंद्वी के हाथ में गिर गया। हथियारे को नीचे लाने के लिए फ्लाइंग किक के बाद और अपना बैग मेई के पास फेंक दिया। इस समय हथियारा अचानक उठ गया। बॉक्सिंग लंच लेने के लिए सीधे बालकनी से कूद गए और शाओमी बैकपैक में है, जानकारी प्राप्त करें कि वे वांछित हैं। उन दोनों के पास सोचने का समय नहीं था, बस इस अपार्टमेंट से बाहर निकलो। शाओमी की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए निक ने अपना पासपोर्ट निकाला। शाओमी को मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाने दें। लेकिन शाओमी बिल्कुल भी नहीं घबराया, फिर भी रहने का फैसला किया। इस समय पुलिस की एक गाड़ी कुछ दूर दिखाई दी। पुलिस को अपनी ओर आते देख निक ने कुछ नहीं कहा, बस फर्श पर लात मारी। बस क्या, वो 1982 मिनी चलाता है। पुलिस के साथ ड्रैग रेस की, सौभाग्य से इसमें अधिक समय नहीं लगा। निक पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। लाइमलाइट से बचने के लिए निक ने अपने चचेरे भाई के घर में शाओमी का पीछा किया। मैंने सोचा कि मैं इस तरह शिकार से बच सकूंगा। अप्रत्याशित रूप से अगले दिन बच्चे को अचानक कुत्ता नहीं मिला। निक को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए पहले बच्चे को छिपने दो, लंबे समय से धूल भरी बंदूक निकाल लें। शांति से घर से बाहर चला गया। एक गोली घर के पीछे गैस टैंक में लगी। विशाल धमाका कार्यक्रम हथियारे का ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित किया, लेकिन आखिर वो एक पेशेवर हथियारा है। 8 बार दर्पण का प्रयोग करें। निक के ठिकाने की लगातार तलाश की जा रही है और निक ने मौका पाकर एक तरफ से जंगल में घूमने का मन बना लिया। लचीली स्थिति के साथ चकमा हमले, हत्यारा घबरा गया। जल्दी से अपना सामान पैक करो और स्थान बदलने की तैयारी करो। फिर मातम में छिप गया। दूसरी ओर निक जो हत्यारे को नहीं मिला, बस हवा में एक शॉट लगाओ, पक्षी उड़ जाते हैं। हत्यारे का ध्यान आकर्षित करने के लिए निक पक्षियों के झुंड का इस्तेमाल करता है और वो जल्दी चलता है। हत्यारे को खतरा भांपने लगता है, इसलिए तुरंत पीछे हटने का फैसला किया। जैसे ही मैं उठा, मुझे निक ने खोज लिया, सीधे उसके बाएं हाथ में गोली मार दी। हत्यारे को बंदूक लेने के लिए तैयार देखकर निक ने एक और शॉट लगाया। फिर वो आगे बढ़ा और पूछा कि दूसरी पार्टी को किसने निर्देश दिया था, और हत्यारे ने शांति से सिर्फ दो शब्द कहे, बाधा। फिर जहर पीकर वायव्य कोण से द्वेष करें। हत्यारे को मारने के बाद निक ने जल्दी से शाओमी को ढूंढ लिया, उसे सारे पैसे दे दिए। उसे अपने चचेरे भाई के साथ छिपने दो, सच्चाई का पता लगाना जारी रखें। निक के बारे में चिंता न करने के लिए
उसके पास अपने चचेरे भाई के साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह एजेंट कोई साधारण एजेंट नहीं है, ये CIA भारी भुगतान कर रहा है प्रशिक्षण में ऐसे एजेंट, लेकिन अब उसे याद नहीं आ रहा है कि वो कौन है। पता लगाने के लिए वो अकेले CIA के अड्डे पर आया था। हर समय एक दूसरे की हरकतों पर नजर रखें, फिर दूसरे पक्ष की कार पर लोकेटर लगाएं। निर्देशक दशान मामले को प्रकाश में लाते हुए देखता है। बेस पर जल्दी से वापस जाएं और सभी सूचनाओं को नष्ट कर दें। एक ही समय में निक ने भी लोकेशन के हिसाब से चुपचाप पीछा किया। रात तक प्रतीक्षा करें। निक पास के सभी वाहनों के सायरन बजाता है। इसने एजेंटों का ध्यान भी सफलतापूर्वक आकर्षित किया, जबकि निक उन्हें बाईपास कर देता है। दीवार के साथ दूसरी मंजिल पर चलो। दशान, जिसने असामान्यता पर ध्यान दिया, बस निकलने ही वाला था। घर में बिजली के सर्किट तुरंत लकवाग्रस्त हो जाते हैं। जबकि वो तमंचा लेकर इधर उधर देख रहा था, निक ने सीधे उस पर बंदूक टांग दी। गुस्से में निक ने उन्हें पहाड़ के ऊपर खींच लिया। सवाल, उसने ऐसा क्यों किया? लेकिन दशान बिल्कुल भी नहीं घबराया, सीधे निक की पकड़ से बाहर। दोनों बहस कर रहे हैं। लगता है निक ने कुछ सोचा है, ये बहुत पहले नहीं निकला, वो एक हत्या मिशन पर है। बस जब आप अपने लक्ष्य को शूट करने वाले हों। एक बच्चे की नज़र अचानक उस पर पड़ी और उसने ऑपरेशन छोड़ने का फैसला किया। जैसे वह जा रहा था, प्रतिद्वंद्वी द्वारा गोली मार दी गई थी। गलती से समुद्र में गिर गया। सौभाग्य से यह मछुआरों द्वारा समय पर खोजा गया था। मैं भाग्यशाली था कि मेरी जान बच गई। हालांकि स्मृति को बहाल कर दिया गया है, लेकिन वो अब CIA के लिए काम नहीं करना चाहता। मैं बस एक सामान्य जीवन जीना चाहता हूँ। लेकिन दशान ने उसे बताया, आप बिना किसी विकल्प के सिर्फ एक प्यादा हैं। ये सुनते ही निक तुरंत उठ गए। पहाड़ का सामना करना एक हिंसक पिटाई है, और कहते हैं कि पुराना निक अब मौजूद नहीं है। भविष्य में मेरी जिंदगी खराब करने मत आना। फिर उसने अचानक देखा, दशान का पेजर चमकता रहता है। उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला। बाहर आने के बाद एक व्यक्ति को फिर नीचे उतारा गया। मैंने सोचा कि यह खत्म हो गया था। अप्रत्याशित रूप से एक और एजेंट है, उसे पागलों की तरह गोली मारो। दूसरे पक्ष को अपने और करीब आते देख रहा हूँ। उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। सौभाग्य से नायक के प्रभामंडल का संरक्षण है, शरीर में कोई दोष नहीं है। जब निक चला गया, दशान धीरे धीरे होश में आया। उसने तमंचा लेकर खदेड़ दिया, लेकिन इस समय अचानक उसके सामने एक एजेंट आ गया। पता चला कि अभी दशान के तत्काल बॉस को चिंता है कि चीजें सामने आ जाएंगी, इसलिए उसने उन सभी को मारने का फैसला किया जो जानते थे। और समाप्त, इस ऑपरेशन को ठोकर कहा जाता है। दूसरी ओर मुसीबत को हल करने वाले निक ने मेई को ढूंढ लिया। बस क्या, दोनों बेफिक्र जिंदगी जीते थे। वीडियो भी यहीं खत्म होता है।